हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आप जो वीडियो देख रहे हैं, इससे वीडियो प्रोफेशनल तरीका से व्हाट्सएप स्टेटस से बनवा जाते हैं। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरे लास्ट देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल डाल दीजिएगा, ताकि जिस तरह का वीडियो डालते रहते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा लास्ट देखिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ तो इसके लिए सॉरी, वीडियो लंबा हुआ सिर्फ आपके लिए हम बता रहे हैं। और थोड़ा सा भी मिस करिएगा तो आपको एक भी पॉइंट मिस करिए तो आपको दिक्कत हो जाता है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा लास्ट देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना बकवास करते हुए बिना इंट्रो पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो एप्लीकेशन का नाम हम बता दें आपको। अभी प्लेयर देखिए, यहाँ देख लीजिए, ये भी प्लेयर है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएगा, वहाँ से क्लिक करिएगा, उसका डाउनलोड जाएगा। डाउनलोड होगा जो जिप फाइल में डाउनलोड होगा, उसको जिप फाइल को स्टार्ट कर खोल लेना, ठीक है। खोल के उसको क्या करना है आपको, उसका उसके अंदर एपीके होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल कर ओपन करिए, ओपन करिएगा। इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। इस तरह से ओपन कर लीजिएगा, ओपन करके इस तरह से रोटेट हो जाएगा। इसको रोटेट कर लेना है, रोटेट करके उसका आप उसको यूज करना होगा, ठीक है। तो इसको रोटेट हम कर लिए, करने देखिए इस तरह से ओपन होगा, ओपन होगा। अगर बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रहा है या कोई भी आ रहा है बैकग्राउंड में, तो आप उसको इग्नोर करिए और यहाँ से ध्यान से इसको वीडियो को देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर थ्री डॉट देख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके लाइब्रेरी का ऑप्शन मिला है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको आईडियो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं चलिए यहाँ से आईडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको जो आईडियो पसंद हो उस आईडियो को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं चलिए यहाँ से आईडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए कोई सा भी आईडियो हम देख लेते हैं, कौन सा आईडियो सही रहेगा, ठीक है। उसका यहाँ से आपको आईडियो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आईडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करें, यहाँ से वीडियो देख लेते हैं किस जगह आईडियो है। आईडियो थोड़ा जो पसंद हो आपको आईडियो को यहाँ पर ले लेना, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ से आईडियो को ढूंढ लेते हैं कौन सा आईडियो सही रहेगा, ठीक है। यहाँ से आईडियो को हम देख लेते हैं। तो चलिए इस ऑडियो के यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। इस ऑडियो को सेलेक्ट कर यहाँ से देखिए ऑडियो प्ले हो गया है। इसको बंद यहाँ से ऑफ बंद करना है, ठीक है। उसके बाद थ्री डॉट फिर से क्लिक करना है। यहाँ से विजुअल का ऑप्शन जो आप मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखिए आपको यहाँ एक बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस जगह पर इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लोड फ्रॉम फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका फाइल खुल जाएगा, ठीक है। आपको फाइल जो खुलेगा तो उसके अंदर आपको जिस जगह रखे होंगे डाउनलोड किए होंगे, डाउनलोड में होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से फाइल मैनेजर को यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के यहाँ जो आपको फाइल में जो आपको फाइल गैलरी होगा, ठीक है, फाइल पूरा खुल जाएगा, ठीक है। तो हम जिसको डाउनलोड बटन में होगा, ठीक है। ये डाउनलोड में यहाँ देखिए यही है, इसी को आपको यहाँ से देखिए सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेलेक्ट करके इस पर यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। डाउनलोड जो करिएगा आपको जिप फाइल में डाउनलोड होगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको जिप फाइल को सेलेक्ट नहीं करना है, इसको स्टार्ट करके खोल लेना है। और खोलने के बाद आपको इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, चलिए इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए ओके पर क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। आपको जो बैकग्राउंड में कोई भी वॉइस आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, उसका क्या करना आपको इस जगह पर उसको सेलेक्ट हो जाए, जो लास्ट में जो ऑप्शन थेगा उस पर आपको यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उस पर आपको क्लिक कर दीजिए, क्लिक करिए, पूरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद आपको क्या करना, आपको देखिए इस जगह जाना आपको, यहाँ देखिए चाबी का आइकन, सॉरी चाबी आइकन यहाँ जो आपको इस जगह आपको दिखेगा, ठीक है। इस जगह जो दिखेगा आपको पेंसिल का आइकन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक कर दीजिए, क्लिक करिए, इस तरह से आपको खुल जाएगा, ठीक है। आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने यहाँ देखिए इमेज का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इमेज पर क्लिक कर दीजिए। उसके बगल यहाँ बॉक्स दिख रहा है, इसे बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना। चलिए बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं, तो चलिए यहाँ बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद इसके नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आएगा, यहाँ पिक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। पिक इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, इससे क्लिक करिए तो आपका जो जहाँ भी आपका जो इमेज होगा, इमेज यहाँ शो करेगा। अगर शो नहीं करता तो यहाँ उसका थ्री डॉट पर क्लिक करिए, और ऊपर जो इमेज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करिए तो आपका जो फाइल है फाइल यहाँ से खुल जाएगा। फाइल जिस जगह आपको जो रखा हुआ इमेज उसी को उस फाइल को क्लिक करिए और इमेज को यहाँ सेलेक्ट करना। चलिए इमेज को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसको आपको यहाँ से डन मतलब क्लिक कर देना, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करेगा तो यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को अनेबल होना चाहिए, ठीक है। इसको हम अनेबल कर दें, अनेबल कर दें कि आपका इमेज यहाँ शो करने लगेगा, ठीक है। शो करने लगेगा, उसमें नीचे आइएगा, नीचे का यहाँ आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके नीचे आइएगा, यहाँ देख लीजिए यहाँ मोस्ट वॉच का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसके बगल में यहाँ जो क्लिक इस पर यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करके और यहाँ से जो ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ देखिए बेस्ट रेंडमस सेक का जो ऑप्शन मिला है आपको, इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं,
उसके यहाँ से क्या करना, आपको थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा देना है, कम करना जितना आप करना चाहते कर सकते हैं, नहीं तो आपको उसको रहने देना है, ठीक है। सेम वैसे रहने दीजिए, नहीं तो बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, तब थोड़ा बेहतरीन रहेगा। उसके नीचे आ जाइए, नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन देगा इस पर, यहाँ पर इस पर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देना है। फिर से ऊपर आ जाइए और इस जगह आपको देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है एलिग्राम मेटन का जो ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ से आप उसको एडजस्ट इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इससे एडजस्ट करके यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद इस तरह इसको हम रहने देते हैं, सिर्फ साड़ी थोड़ा छोटा करते हैं, छोटा करें तो बेहतरीन लगेगा। छोटा करने के लिए आप देखिए स्केल का जो ऑप्शन मिला है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके यहाँ से साड़ी को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह छोटा कर लीजिए, ज़्यादा चलिए इतना परफेक्ट है। और यहाँ से इसको डन कर देना, ठीक है, यहाँ से डन कर दीजिए, यहाँ से डन कर, उसका यहाँ से देखिए आपको थोड़ा सा चला के दिखाते हैं किस तरह से, मतलब यहाँ से म्यूजिक को प्ले कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से जैसे म्यूजिक को प्ले करके ऐसे चला सकते हैं, ठीक है, जिस तरह चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं, कितना बेहतरीन बन चुका है। इसमें और एक चीज़ इसमें कर देना है ताकि आपको थोड़ा देखने में बेहतरीन लगा, कौन सा चीज़ करना आपको बताते हैं, सब यहाँ पेंसिल का दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, क्लिक कर दीजिए, यहाँ सबसे नीचे आइएगा, तो सबसे नीचे आएगा तो आपको देखिए इस इमेज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इस इमेज का जो ऑप्शन मिल रहा है सबसे नीचे वाला, इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके इसको डबल कर लेना, ठीक है, इसको इसको क्लिक करके रखिएगा, डबल करने का ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, इस पर क्लिक करके डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद जो आपको देखिएगा उसका यहाँ गैलरी में चल जाइए, ठीक है, गैलरी का ऑप्शन चल जाइए, उसके यहाँ नीचे आएगा, नीचे आने का जो ऑप्शन जो ऊपर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है, फिर इस पर हम क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद जो क्या करना आपको इसको घींच कर इस तरफ ले आना, ठीक है, इस तरफ घींच के इस तरह से इसको ऊपर कर देना, ठीक है, चलिए इसको ऊपर कर दें, देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर इसके जगह पर यहाँ पर एडजस्ट कर देना, ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, इस जगह पर इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए, एडजस्ट यहाँ से डन कर देना, ठीक है, डन कर देना। यहाँ से इसको हम बेक आ जाते हैं, बेक आने का देखिए इस तरह से बेक आ जाना है आपको, इस तरह से आपको कर लेना, ठीक है, जैसे जैसे हम बता रहे सेम प्रोसेस आप करिएगा, इसको आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कितना बेहतरीन तरीका से लग रहा है। इसमें सिर्फ इसी तरह से इमेज को यूज करना है, इसमें और इफेक्ट डालना चाहते हैं इफेक्ट डाल सकते हैं, हम ज़्यादा कोशिश जो जितना सेटिंग हम किए हुए हैं उसी सेटिंग रहने दीजिए, सिर्फ जितना बताएं उतना आपको करने का, ठीक है। करने के बाद यहाँ से आपको ऑडियो को जो आप दूसरा ऑडियो यहाँ सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जो आपको ऑडियो पसंद है वो ऑडियो को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास जो ऑडियो है वो ऑडियो यहाँ से सेलेक्ट करके इसको चला कर, ठीक है, यहाँ से दोनों ऑडियो हमें पसंद लग रहा है तो यहाँ से ऑडियो को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ऑडियो चेंज करने के लिए इससे यहाँ जाते हैं, इस जगह पे जो ऑडियो होगा ये जो ऑडियो सही नहीं है, चलिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्टोरेज को और यहाँ से डेट को व्यू को कर लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे सो आपको यहाँ से बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, इसको मीडियम ही रहने देते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ से स्टोरेज को आपको यहाँ से जो डेट चाहिए डेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट रहने से डिफॉल्ट कर सकते हैं, टाइम से टाइम कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो पसंद है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, सेलेक्ट करके इस तरह से आपको कर लेना है और यहाँ से आपको एडजस्ट कर देना, ठीक है, इससे एडजस्ट कर दीजिए। और यहाँ से आपको वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देगा, हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दे देगा, इस तरह वीडियो डालते रहते आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और देख लीजिए यहाँ पर जो लास्ट में जो वीडियो शो करेगा, जो वीडियो कोई वीडियो आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के।